मैट्रिक में नंबर 478 है, जो कि सेवेंथ रैंक पर 95.6% है। अच्छा, सेवेंथ रैंक पे स्टेट लेवल पे है जी। ये है द लाइफ वे क्लासेस अहियापुर साहेबगंज, जिसकी इमारत पुरानी है मगर इतिहास नया लिखा जाता है। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। व्यवस्थापक हरिओम प्रताप एवं उनके साथी शिक्षकों ने बिहार राज्य में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से नाम रोशन किया है। जी हाँ, द लाइफ वे क्लासेस के बच्चों ने दसवीं के परीक्षा में अच्छे अंक लाकर जिला एवं राज्य में नाम रोशन किया है। व्यवस्थापक हरिओम प्रताप द्वारा छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु सम्मानित भी किया गया। शिवम कुमार ने राज्य में टॉप करके सातवां स्थान प्राप्त किया है। ऋतिक रोशन कुमार एवं अभिषेक कुमार ने अच्छे अंक लाकर साबित कर दिया है द लाइफ वे क्लासेस अहियापुर साहेबगंज छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छी संस्था है। इमारत पुरानी है मगर इतिहास नया लिखा जाता है। आइए हम बात करते हैं शिवम कुमार से, जिन्होंने राज्य में टॉप कर सातवां स्थान प्राप्त किया है। मेरा नाम शिवम कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री दीना शाह है और मेरे माताजी का नाम श्रीमती रेणु देवी है। मेरा घर बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में साहेबगंज प्रखंड के अहियापुर गांव में पड़ता है। स्टेट लेवल में सातवें रैंक पे आए हैं, तो जरा आप बताइए कि कितना नंबर है, कितना परसेंटेज है आपका? मेरा मैट्रिक में नंबर 478 है, जो कि सेवेंथ रैंक पर 95.6% है। अच्छा, सेवेंथ रैंक पे स्टेट लेवल पे है जी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री मोहनलाल शर्मा है, मेरे माताजी का नाम श्रीमती रिंकू देवी है, मेरा घर अहियापुर में है, प्रखंड साहेबगंज मंडल मुजफ्फरपुर तथा मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप किस कोचिंग से तैयारी किए हैं? दसवीं में आपने बहुत ही अच्छा नंबर लाकर जिला लेवल में आपने अपना नाम रोशन किया है। आप किस कोचिंग से तैयारी करते थे? मैंने द लाइफ वे क्लासेस जो अहियापुर में पढ़ता है वहाँ से मैंने तैयारी की है। वहाँ से तैयारी की है। और जरा आप ये बताइए कि द लाइफ वे के डायरेक्टर महोदय का क्या नाम है, जो व्यवस्थापक है वहाँ के, मैनेजिंग डायरेक्टर? हरिओम प्रताप। हरिओम प्रताप जी, और आपके कोचिंग के जितने भी शिक्षक थे उन लोगों का क्या सहयोग रहा आपके इस सफलता के लिए? उन लोगों को कितना सहयोग का मतलब आप क्रेडिट देना चाहेंगे, जरा बताएं। द लाइफ वे क्लासेस से मैं जो मेरे डायरेक्टर थे हरिओम प्रताप, उनकी तो भूमिका रही, साथ ही साथ उनके पढ़ाने वाले कुछ शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनमें अभिषेक सर, विकास आनंद, रंजन सर, सलामुद्दीन सर, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मतलब सभी शिक्षकों ने आप लोगों को बेहतर से बेहतर। मेरा नाम ऋतिक रोशन कुमार है, मेरे पिताजी का नाम भोला कुमार है, मेरे माता जी का नाम निशा देवी है, जो पेशे से होममेकर है, और मेरे पिताजी पेशे से किसान का काम करते हैं जी। मेरा घर अहियापुर में है और प्रखंड साहेबगंज जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता है जी। दसवीं में आप कितना परसेंट लाए हैं, कितना नंबर है, जरा बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। मैट्रिक परीक्षा में मुझे 465 अंक हासिल किया है, जो 93.24% है जी। और सबसे पहले सिटी न्यूज़ की टीम आपको बहुत सारी बधाई देना चाहेगी। और आप किस कोचिंग से तैयारी की है? हम दी लाइफ वे कोचिंग से पढ़ते थे। अच्छा, दी लाइफ वे कोचिंग से पढ़ते थे अहियापुर मठ जी। और आपके मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या नाम है? हरिओम प्रसाद। सिटी न्यूज़ टुडे लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं विद्वान शिक्षकों से, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से छात्रों को संवारा है। अभी आपके बच्चे बहुत सारे हमारे चैनल के माध्यम से बात किया है उन लोगों ने, और उन्होंने ये कहा है कि रंजन कुमार सर का काफ़ी योगदान रहा है, आज मैं जो टॉप किया हूँ उसमें सर का काफ़ी योगदान रहा है। इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हमारा ही नहीं, इस द लाइफ वे क्लासेस के जितने भी शिक्षकगण हैं उन सभी बच्चों को टॉप कराने में उन लोगों का भी हाथ है जी। हम लोग तो कहा भी जाता है कि टीचर तो एक मार्ग होता है, उस पर चलना किसका है, बच्चों को चलना है, सिर्फ हम लोग एक जरिया है मंजिल तक उन लोगों को पहुंचना है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो कृपया अपनी शिक्षा से दूर न रह करके शिक्षा को पूरी करें और इस कोचिंग में ज्वाइन करें। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, घर अहियापुर थाना संघ जिला मुजफ्फरपुर में द लाइव क्लासेस का टीचर हूँ, जो कि इंग्लिश पढ़ाता हूँ जी। आप उन छात्र एवं छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन छात्र और छात्राओं को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो बिहार बोर्ड से जो नीचे तबके के बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, शुरू से ही इंग्लिश को नेगलेक्ट लेकर चलते हैं, जो आगे चलकर उनके परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें।
ऐसा वह ना करे, क्योंकि हम मैट्रिक इंटर तक किसी न किसी तरह पास कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे हमको कहीं भी जाना पड़ता है तो वहाँ हमको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है जो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि मैथ साइंस और आर्ट्स के साथ साथ इंग्लिश का भी सही ढंग से पढ़ाई करें। आइए हम बात करते हैं व्यवस्थापक महोदय से। और सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से ये बताएं कि आज आपके कोचिंग में बहुत सारे बच्चे ज़िला लेवल पे और राज्य लेवल पे अपना नाम उन्होंने रोशन किया है, अपना और आपके कोचिंग का। इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे बच्चे जो हैं इस लॉकडाउन की अवधि में भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, अच्छा स्टडी किया है, और जो मेरे साथ ही या मेरे साथ जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे उन्होंने अच्छा प्रयास किया है, जिसके कारण मेरे बच्चे इतना अच्छा नंबर ला पाए हैं। जी, और आप किस चीज़ के मतलब किस सब्जेक्ट का क्लास आप लेते थे सर कोचिंग में? मैं अपने कोचिंग में मैथ का क्लास लेता था। मैथ का क्लास लेते थे। मैथमेटिक्स में जो टॉप बच्चे किए हैं उन लोगों कितना कितना परसेंटेज है? लगभग उसमें जितने भी टॉप बच्चे किए हैं उसमें सभी का 90 प्लस मार्क्स है, लेकिन जो लड़का स्टेट टॉपर किया है, स्टेट में सातवां स्थान लाया है, उसका मैथ में 99 नंबर है। जी जी, सिटी न्यूज़ स्टूडियो लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी है इस बात की कि मेरे जो टीचर लोग हैं बहुत मेहनत किए इस बच्चे को पढ़ाने के लिए और यहाँ इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए, जिला टॉपर और स्टेट टॉपर बनाया जिन बच्चों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सिटी न्यूज़ स्टूडियो लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद।